नमस्कार, हमारी खास पेशकश फुटबॉल का रोमांच में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज जोशी और मेरे साथ हैं हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट अर्णव मित्रा। अर्णव, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम सबसे पहले मेरे ख्याल से इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर लें, पूरे रोमांच पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश प्रीमियर लीग का रोमांच इस समय सबके सर चढ़कर बोल रहा है। मैच होते हैं इंग्लैंड में, लेकिन पूरी दुनिया को इसने आगोश में ले रखा है। जहां तक भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी देर रात तक जगने वालों की कमी नहीं है इन फुटबॉल का रोमांच लेने के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की, तो यहाँ कुल मिलाकर इस बार 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। 20 टीमें हैं और 38 मैच हर टीम को खेलने हैं, और एक अपने घर में और एक बाहर जाकर मैच खेलना है। तो कुल मिलाकर अब तक 16 मैच सभी टीमें खेल चुकी हैं और लिवरपूल की टीम सबसे ऊपर चल रही है। और आज हम लिवरपूल के नाम से याद आया कि लिवरपूल का मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड से होने वाला है संडे को। संडे सुपर संडे बन पाएगा या नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अर्णव, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वजह है कि जब भी लिवरपूल का मैच होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या उसका रीज़न ये तो नहीं है कि एक टीम 20 बार की चैंपियन है और दूसरी टीम 18 बार की चैंपियन है? बिल्कुल ये है, पर इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। 80 के दशक में लिवरपूल की टीम बहुत ज़्यादा सफल रही। तब तक ही उन्होंने 18 टाइटल जो आज तक उन्होंने जीते वो कमा लिए थे, पर उस तब यूनाइटेड के पास सिर्फ 5 टाइटल थे। 1990 के आने के बाद जब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग का इंग्लिश एफ ए ने एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया, एक रीब्रांडिंग की, तब से यूनाइटेड ने इसको जीतते हुए इतनी सारी जीत दर्ज की कि वो 20 पे पहुंच चुके हैं। तो एक ये पुरानी राइवलरी जो चालू हुई थी, एक लड़ाई जिसमें एक अपने आप को दूसरे से ऊपर समझता था, अब दूसरे ने पासा पलट दिया है, वो ऊपर आ चुका है। अब नई टीमें आ चुकी हैं, मैन सिटी, चेल्सी, पर इन टीमों की सक्सेस भी अब अभी इनको नया काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ये दोनों सबसे बड़ी टीमें हैं इंग्लैंड की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका रिकॉर्ड ये बोलता है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ये बोलती है। ये सबसे बड़ी लड़ाई रह गई है जेरार्ड के दौर से। पहले भी जब इयन रश का दौर था लिवरपूल में, गोल पे गोल मारते रहते थे लिवरपूल, सबको हराया था। यूरोप में 5 ट्रॉफीज़ हैं। और यूनाइटेड ने जब रॉय कीन, स्कोल्स, रूनी, रोनाल्डो से अपने ही इतिहास को और बढ़ाया, तो एक मतलब स्टार प्लेयर दोनों तरफ इतने छाए रहे हैं, इंग्लिश लीग, इंग्लिश फुटबॉल को डोमिनेट किया है। कमाल की आपने रूनी का जिक्र किया, आपने रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र किया, डेविड बेकम का नाम शायद छूट गया, डेविड बेकम, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम बहुत ही पॉपुलर हो गई पूरी दुनिया भर में। हर बच्चा बच्चा भी यहाँ पर दिल्ली में भी मैंने देखा, दिल्ली, इंडिया, भारत के किसी भी महानगर में चले जाओ, मैन यू का फैन जरूर दिखाई देता है। छोटे शहरों में भी, छोटे शहरों में डेविड बेकम को सब जानते हैं। डेविड बेकम तो ग्लोबल स्टार है बिल्कुल। तो उनकी सक्सेस पे एशिया पे सबसे बड़ा इसका असर हुआ है। एशियन फैंस बहुत ज़्यादा हैं डेविड बेकम के, और उसका फ़ायदा यूनाइटेड को भी हुआ। तो पिछली बार जो ये टीम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, रनर्स अप थी, बहुत ऊंचा उसका ओहदा रहा, जैसा कि आपने बताया अतीत उसका बहुत स्वर्णिम रहा है, 20 बार की चैंपियन भी है। आखिर इस बार बिल्ली कहाँ झीक गई कि क्या हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो उसके फैंस इतने निराश हैं? देखिए, 25 साल से अधिक सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मैनेज किया, इससे पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास आप अगर देखें तो कभी भी एक इतने बड़े कंपटीशन में इतने दिनों तक किसी मैनेजर ने इतनी सफलता हासिल नहीं की है। सर एलेक्स की सफलता का एक तरफ से दूसरी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है यूनाइटेड पे, कि उनको अब एक बिल्कुल नया मैनेजर मिला है जिसको अपनी ही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी विफलताएं आई हैं, दो मैनेजर को इन्हें हटाना पड़ा है। अब एक और बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर आए हैं, होजे मोरिनियो। अब इनकी सोचने के तरीके को टीम के ऊपर किस तरह से लागू किया जाए, इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, शायद थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग रहा है। तो इससे जूझ रही है यूनाइटेड, और इसका रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले साल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि टीम अब और बुरा परफॉर्म कर रही है, जबकि यही मैनेजर पिछले साल भी थे और ज़्यादातर यही प्लेयर भी थे। तो इतना बुरा कि सेकंड से अब 6th पे खड़े हैं, ये बड़ी ही सोचने का विषय है। लिवरपूल की टीम अपने घर में खेल रही है अब जो संडे को मैच होने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ हमने देखा है कि स्ट्रेटजी बहुत कुछ मैचों का पासा पलट देती है। बिल्कुल, देखिए लिवरपूल अब एक बहुत ही सेटल टीम है, एक ऐसी टीम है जिसको पता है कि वो क्या करने के लिए उतर रहे हैं। हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है, वो उस तरह से ही खेलेंगे, वो अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपना गेम नहीं बदलते, जैसा खेलते हैं उसे भरोसा रखते हैं और डिलीवर करते हैं।
जबकि यूनाइटेड की, जैसे मैंने कहा, एक नई सोच लागू करने की कोशिश की जा रही है, शायद उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जो उस सोच को आगे ले जा सके, तो उस चीज़ का एक चैलेंज तब तक रहेगा जब तक मोरिनियो अपने उस एग्जैक्टली उन्हीं खिलाड़ियों को ना ला सके जो उनकी सोच को अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी टीम है वो, तो जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक बड़े मैनेजर के लिए। आज की डेट में ट्रांसफर मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, एक एक प्लेयर 200 मिलियन में बिक रहा है, तो एक क्लब पहले का, आज से 10 साल पहले मनोज जी, एक क्लब की वैल्यूएशन 200 मिलियन होती थी, आज एक प्लेयर की वैल्यूएशन 200 मिलियन हो जाती है। तो बड़े ही मतलब मुश्किल दौर है एक बिजनेस के लहजे से कि ऐसा इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, ऐसा प्लेयर कैसे लाया जाए कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उतनी ही सफलता भी मिले और उतना ही इनकम भी जनरेट किया जा सके। बड़ा ही मुश्किल है क्लब स्तर का फुटबॉल मैच और पैसा बरसता है ऐसा कि जो राष्ट्रीय टीम से खेलने पर भी इतना पैसा नहीं मिलता। काफी सारे प्लेयर है जिन्होंने थोड़ी सी दिक्कतें आते ही राष्ट्रीय टीम से बैकआउट कर लिया है क्योंकि उनके क्लब करियर पर इम्पैक्ट होता है, तो क्लब करियर को वो लंबा चला लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। लंबी बहस का विषय है, इस पर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लिवरपूल की टीम जो इस बार अनडिफीटेड है, उसे कोई हरा नहीं सका, हालांकि उसके 2-3 मैच ड्रॉ जरूर हुए हैं, लेकिन उसे कोई हरा नहीं पाया, आखिर इसके बढ़ते कदमों को रोका कैसे जा सकता है? मोरिनियो की सबसे बड़ी खासियत यही रही है अपने सारे पूरे के पूरे करियर में कि वो सामने वाली टीम को, जो जितनी बड़ी टीम होती है वो उसको उतनी सफलता से रोक लेते हैं। ये पिछले सीजन के उनके इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए मैचेस को आप देख सकते हैं। साला ने पिछले सीजन 44 गोल मारे थे और मतलब एक कमाल का सीजन था, किसी ने नहीं सोचा था, साल के 3 बेहतरीन खिलाड़ियों के शॉर्ट लिस्ट में वो आ चुके हैं, उनके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मॉड्रिच थे, इजिप्ट के खिलाड़ी जिन्होंने एक नई पहचान बनाई है और प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मतलब किसी ने सोचा तक नहीं था इससे पिछले साल, मतलब 2016-17 तक में किसी के दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी कि साला यहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो ऐसा था उनका सीजन। पर उन्होंने भी यूनाइटेड के अगेंस्ट में 2 मैचेस में एक भी गोल नहीं मारा, तो लिवरपूल एनफील्ड में जब मैच खेला गया तो स्कोर बराबरी पे ख़त्म हुआ, 0-0 पे। और यहाँ जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे आई वही टीम रिटर्न लेग खेलने के लिए, जैसे कि आपने बताया था, तो 0-1 से यूनाइटेड ने उन्हें हरा दिया। तो यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है लिवरपूल को वो हिसाब चुकता करना है जो पिछली बार ओल्ड ट्रैफर्ड में 0-1 से वो टीम हारी थी और अपने घर में जीत नहीं पाई। जी हाँ, तो यूनाइटेड की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सबसे पहले यही रहेगी कि वो लिवरपूल को किस तरह से रोकें, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे, ये पूरे हफ्ते की शायद प्रैक्टिस सेशंस भी इसी तरह से डिज़ाइन की गई होंगी ताकि उनके मेन जो 3 फॉरवर्ड है जिन पे वो खेलते हैं, जो तेज़ी से अटैक वो करते हैं, जो शायद पूरी दुनिया में आज की डेट में कोई नहीं करता, तो वो अटैक को रोकने की एक बहुत खास प्रैक्टिस बहुत ही टैक्टिकल वे में मोरिनियो करवाएंगे टीम को और वो ज़रूर रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ साथ चैंपियंस लीग के भी मैच चलते हैं और अभी जैसे मैच हुआ नेपोली, जिसमें कभी माराडोना के लिए जो टीम जानी जाती है पूरी दुनिया भर में, उस टीम को 1-0 से हराया और साला ने गोल किया, तो ये कितना पॉजिटिव है, ये इससे अच्छी मैच प्रैक्टिस मिलती है या ध्यान बढ़ता है या दबाव ज़्यादा बनता है? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए कि कौन सी ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग, या फिर आप जिस भी देश में हैं उसकी जो लीग होती है, अपनी देश हर देश की अपनी एक लीग होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या चैंपियंस लीग इंपॉर्टेंट है? चैंपियंस लीग में दुनिया के सारे जीते हुए टॉप 3 टीमें आती हैं, तो कंपटीशन का लेवल कुछ दूसरा ही होता है, पर वो हमेशा मिडवीक होती है, तो टीम को शनिवार को एक मैच खेलना पड़ता है, फिर बुधवार को एक मैच खेलना पड़ता है, फिर शनिवार को एक मैच खेलना पड़ता है। ज्यादातर मैच जो है शनिवार या रविवार को होते हैं और कुछ मैच इतना मुश्किल होता है ये अपने आप को तैयार करना अगले ही मैच के लिए 3 दिन के अंदर अंदर, ये प्रोफेशनल प्लेयर का बहुत बड़ा चैलेंज है और उसी लेवल का परफॉर्मेंस उसे हर जगह पर मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब लिवरपूल ने एक बहुत ही टफ, शायद इस साल के चैंपियंस लीग का सबसे टफ ग्रुप को आखिरी मैच डे पे ये 1-0 जीत के, सॉरी, नापोली से मैच वो आगे बढ़ चुके हैं इस ग्रुप में पीएसजी के साथ। तो नापोली एक बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही शानदार टीम है, पिछले साल इन्होंने बहुत ही कमाल का फुटबॉल खेला, तब ये ऑलमोस्ट चैंपियन बन चुके थे, लेकिन लास्ट 2 वीक रहते हुए यूवेंटस ने बाजी मार ली इटली में, तो बहुत ही मुश्किल था ये। तो ये लिवरपूल को तैयार कर रहा है मेंटली, पर फिजिकली उनके लिए चैलेंज है, देखना ये। ऐसा क्यों कहा जाता है अर्नब की 70 और 80 के दशक में जो लिवरपूल टीम थी वो आज वैसी लिवरपूल टीम नहीं है,
लेकिन इस बार की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसने सारे जितने पुराने वो थे इफ एंड बर्ड्स किंतु परंतु सबको बदल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए 20 साल से लिवरपूल एक जिसे हम कहते हैं ना स्लीपिंग जायंट थे, 20 साल से उनके पास रिकॉर्ड नहीं थे, उनके पास रिजल्ट्स नहीं थे, ट्रॉफी की तो मतलब जैसे महामारी सी छाई हुई थी, पूरा क्लब लगा पड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल, सूखा छा गया था, तो पूरा क्लब और उनके सारे फैंस, पूरी दुनिया में है उनके फैंस, सब इसी बात से परेशान रहते थे कि कब वो पहली बड़ी ट्रॉफी आएगी, और हर साल ऐसा लगता था कि अब टीम तैयार है पर वो रिजल्ट नहीं देती थी। पर जैसे आपने शुरू में ही कहा, ये आज मैन सिटी पिछले हफ्ते चेल्सी से हार गई, तो ये मैन सिटी की पहली हार थी इस साल की प्रीमियर लीग में, और तो एक ही बस टीम बची है जो अनडिफीटेड है, वो है लिवरपूल अभी इस लीग में। तो लिवरपूल को अगर लिवरपूल के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो आर्सेनल जो 2003-04 में अनडिफीटेड पूरे सीज़न में रही, उन्होंने 38 के 38 मैच में एक भी मैच नहीं हारे, इनविंसिबल जिसको कहा जाता है, उसको दोहराएं। पिछली बार सिटी ने बड़ी कोशिश की पर एक मैच हार गए, इस साल लिवरपूल के पास ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, एक और टारगेट है टाइटल जीतने के अलावा भी। तो ये लिवरपूल की अब जो टीम है इसको अपने पर भरोसा है, स्क्वाड में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और छोटे मैचों में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टीम कमजोर हो गई है लिवरपूल। आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, पोगबा वर्सेस साला, कह सकते हैं इस मैच को? बिल्कुल बिल्कुल, पोगबा ही सिर्फ नहीं, हम एक और प्लेयर की तरफ जरूर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि वो है रोमेलू लुकाकू। तो लुकाकू ने अपने देश बेल्जियम के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, वो इस बार वर्ल्ड कप में थर्ड आए हैं और वो परफॉर्मेंस उन्होंने कंटिन्यू किया है, ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद बेल्जियम के लिए उनका परफॉर्मेंस गिरा है, लेकिन बड़ी ही दुख की बात है यूनाइटेड के सारे सपोर्टर्स के लिए, क्लब के लिए, कि यूनाइटेड के लिए उनका फॉर्म बहुत गिरा है। पिछले साल उन्होंने 27 गोल मारे थे, इस साल पिछले 12 मैच में उन्होंने आखिरकार फुलहम के अगेंस्ट में ये गोल मारा है, 981 मिनट के बाद उन्होंने पहला गोल मारा है। एक स्ट्राइकर जो गोल मारने के लिए जाना जाता है, जिसको अपनी रोजी रोटी गोल मारने के लिए मिलती है अगर हम कह सकें, वो 981 मिनट तक गोल नहीं मार पाए, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। चलते आप ये बताइए मुझे कि फेवरेट टीम, मतलब वैसे तो आप दोनों का बड़ा बैलेंस बना के चल रहे हैं, किसी भी तरह का जोखिम आप भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि दोनों में से एक टीम चुननी हो आपको इस मुकाबले में, सारे हालात को देखते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग में, आप किसे चुनेंगे, कौन फेवरेट है? मैं कहूँगा लिवरपूल शायद इस मैच को ले जाएगी, मेरे ख्याल से वो जीत जाएंगे ये मैच, क्योंकि लिवरपूल के घर पे है ये मैच, पिछली बार भी घर में था नहीं जीत पाए थे। बिल्कुल, लेकिन पिछली बार यूनाइटेड 4 या 5 मैच जीत के आ रही थी और 4-0, 4-1 से जीत के आ रही थी, उसका मनोवैज्ञानिक लाभ था, बहुत बड़ा लाभ नहीं है इस बार, सारा मनोवैज्ञानिक लाभ सब कुछ लिवरपूल के पास है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही है जैसे हमने डिस्कस किया है, मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच को हाथ से फिसलने देंगे। चलिए, अर्नब मित्रा जो हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जैसे हालात चल रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में उसमें लिवरपूल की टीम संभावित विजेता बनकर उभरी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ वो फेवरेट रहेगी, और अगर आप अर्नब की बातों से और मेरे कुछ सवालों से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।